गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुडेज क्लास। सो इस क्लास में तो ये प्रैक्टिस सेशन है, जस्ट क्रैश कोर्स है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। व्हेनेवर रिक्वायर्ड मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा, फॉर्मूला क्या है। कोई कोई चीज़ में फॉर्मूला भी चाहिए, बट अभी सिंप्लीफिकेशन में कोई किसी भी तरीके का फॉर्मूला नहीं है। जस्ट तुम लोग जस्ट सॉल्व करे लगे, ओके जस्ट सॉल्व करे लगे। सो सॉल्व करी जावा, 15টা 20টা মান কোয়েশ্চন আছে, সলভ ইট, আইডিয়াটো পাই যাবা যে কেনেকুৱা কোয়েশ্চন আহিব পাৰে সিম্প্লিফিকেশনৰ পৰা। Okay, so let's begin the class. Please solve the question. Please solve it. Solve kuri kine answer to comment kuri diba. बताइए इसका आंसर, बताइए। सी करेक्ट करेक्ट, वेरी नाइस। गुड इवनिंग बिल्कुल सी, हाँ करेक्ट। CCCS करेक्ट, वेरी नाइस। दानी, दीपज्योति, ज्योति, आलम, अंकिता, अंकिता, अंबिका, करेक्ट 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 करेक्ट, ठीक है, सही है सही है। सी देखो, इसको जल्दी कैसे कर सकते हैं, थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। यहाँ पे 45 × 8 है ना, ये कैलकुलेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इसी चीज को आप 19 × 4 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो तो। Yes or no? Just reply yes or no. 45 into 8 को मैं 19 into 4 लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकते हैं ना? Can you understand directly? Yes, लिख सकते हैं ना? 45 into 8 मतलब 45 into 2 into 4 ही तो है ये. 8 तो 2 into 4 ही है ना? तो इसको 19 into 4, तो ये calculation और जल्दी हो गया. 19 into 4 कितना होता है? 360 minus 16% ऑफ 2000, ये करना थोड़ा थोड़ा सा क्रिटिकल है, बट आपको एक चीज मैं बता देता हूँ, ये आपको हेल्प आएगा। देखो, ए परसेंट ऑफ बी अगर होता है, सपोज ए परसेंट ऑफ बी, ये क्या है? ए परसेंट ऑफ बी का मतलब ए बाई 100 इंटू बी, यही है। इसी चीज को मैं बी बाई 100 इंटू ए भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, इसी चीज को मैं बी बाई 100 इंटू ए लिख सकता हूँ। तो दैट इज व्हाट, दैट इज बी परसेंट ऑफ ए। समझ में आया? मतलब a परसेंट ऑफ b इक्वल टू b परसेंट ऑफ a। तो यहाँ पे आप 16% ऑफ 2000 करने के जगह 2000% ऑफ 16 को कैलकुलेट करना बहुत इजी है, बिकॉज यू नो दैट 200% ऑफ 16 कितना होगा, बोलो तो। 200% ऑफ 16, 200% ऑफ 16 मतलब 16 का डबल, तो 32 होगा, ठीक है। बट 2000% है तो 320 होगा, तो 360 माइनस 320 इक्वल टू x माइनस 320। तो 360 माइनस 320 इक्वल टू 360 माइनस 320, 360 है कि नहीं? 360 माइनस 320 इक्वल टू 360 माइनस 320 होगा ना? इज इट क्लियर? टेल मी, क्लियर हो गया ना? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? देखो, यस, ये वाला प्लीज डू इट।
आवाज़ यूज़ सर बहुत दिन पिसत देखी लो अपना घर लगी है थैंक यू भले आसुमा सुलियस तुम्हारे को बहुत दिन पिसत लोग कर B40 वेरी गुड देखो ये क्वेश्चन मार्क को x मान लो x परसेंट ऑफ 1050 प्लस 364 इज इक्वल टू 28 का स्क्वायर इज 784 ठीक है 784 ठीक है सो ये 700 होय सर क्लास है तो अपन कॉल दिबो पड़ेंगे কল আজি নকৰিব কালি কৰিব কালি আজি মোৰ আকৌ এতিয়া কেইটা বাজিছে আকৌ 9টাৰ পৰা আকৌ ক্লাছ আছে সো টাইম নাপাব ওকে কালি দিনত দিনত যেতিয়া যেতিয়া মন যায় দিনত কৰিব ইভিনিংৰ পিছত টাইম নাথাকে দিনত কৰিব যেতিয়া মন যায় কৰিব একো প্ৰব্লেম নাই খালি বেছি ৰাতিপুৱা কৰি নিদিবা 10টাৰ পিছত কৰিব 10টাৰ পিছত যেতিয়া মন যায় তেতিয়া কৰিব পাতিব পাৰি सी देखो ये x परसेंट ऑफ 1050 में परसेंटेज के साथ डबल जीरो कैंसिल होता है तो परसेंटेज के साथ डबल जीरो कैंसिल होगा तो ये 10.5x बचेगा इज इक्वल टू 364 784 माइनस 364 700 माइनस 300 420 तो इसको आप थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका अच्छा होगा तो आपको समझ में आएगा ये जो है ना ये 10.5 420 है ये 10.5 है तो 10.5 का डबल होता है 21 ठीक है और तो डबल अगर 21 है तो 10.5 का 4 टाइम्स होगा 42 तो हमको तो 420 चाहिए ना तो 40 टाइम्स होगा ठीक है तो ये सब आप लोग अपने तरीके से भी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके ये वाला क्वेश्चन करो ट्राई टू सॉल्व इट वेरी फास्ट जल्दी जल्दी करो वेरी नाइस 18 आ गया अरे वेरी नाइस लेट्स सी इसका आंसर कितना है 25% करेक्ट सही 210 प्लस 168 210 प्लस 168 इज 378 डिवाइडेड बाय 25% ऑफ 84 25% मतलब 1/4 होता है 25% का मतलब 1/4 होता है तो 1/4 into 84 कितना होगा 4 into 21 होता है तो 21 1 जा 21 बचा 16 168 8 जा 168 तो 18 is the right answer next ये वाला करो
वेरी नाइस। वेरी नाइस। देखो 5/8 ऑफ 32%, मतलब 32/100 इंटू 540 इज इक्वल टू एक्स प्लस 12 × 8 96। ठीक है, इसको 8 से 4 बार काटो, इसको 4 से 25 बार काटो, इसको 5 से 5 बार काटो, इसको 5 से 27 108 बार काटो, तो x इज इक्वल टू 108 इज इक्वल टू एक्स प्लस 96। तो 96 में 12 ऐड करने से ही 108 आएगा ना, 96 में 12 ऐड करने से 108 आ जाएगा। ठीक है, वेरी नाइस वेरी नाइस। आप लोग करते रहो, ये वाला क्वेश्चन करो। ओके वेरी नाइस। अंबिका बुलबुल ज्योति, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बी ओके ठीक है। देखो इसको इसको ना थोड़ा ब्रेक करके करो, मतलब ये जो 4 2/5 है ना, इसको आप 4 प्लस 2/5 मान लो तब ज्यादा इजी होता है। 4 प्लस 2/5 मान लो, तो 4 2/5 इज 4 प्लस 2/5 प्लस 3 1/3 इज 3 प्लस 1/3 माइनस 6 1/2 इज 6 − 1/2। ठीक है, माइनस होगा ना, ये माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस 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 प्लस माइनस होगा, तो उस तरीके से 4 प्लस 3 7 − 6 1, 4 4 प्लस 3 7 − 6 1। ठीक है, प्लस 2/5 प्लस 1/3 − 1/2, देन यू डू द कैलकुलेशन। 1 प्लस 5 3 और 2 का एलसीएम कितना है, बोलो 30 है ना, 5 3 और 2 का एलसीएम 30 है, तो 5 6 जा 30, 6 2 जा 12, प्लस 3 10 जा 30, 10 1 जा 10, माइनस 2 15 जा 30, 15 1 जा 15, तो 12 प्लस 10 22 माइनस 15 7, तो 1 प्लस 7/30, 1 प्लस 7/30 इज 1 7/30, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इज इट क्लियर, टेल मी, एक बार बोल दो, देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। चेक कोई डू एवर क्लियर बोल दूं मैं, क्लियर है ना, ओके यू टेल मी अगर कोई डाउट आता है बीच में। सी बिकॉज क्रैश कोर्स में उतना एक्सप्लेनेशन तो नहीं कर सकते, सो दिस इज बेसिकली, ये कोर्स इज फॉर जस्ट द प्रैक्टिस, मतलब ताकि प्रैक्टिस, एवरी चैप्टर प्रैक्टिस होते रहेगा तो एग्जाम में इजी होता है, आपको याद याद आ जाएगा। ठीक है, सो किबा डाउट होले हो एबर होती लो बदे, यू कैन स्टॉप मी एंड आस्क मी इन द मिडिल। ये वाला क्वेश्चन करो, ट्वेंटी करेक्ट, यस करेक्ट, मेरा भी 20 आया, करेक्ट।
करेक्ट 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 देखो इसको मैंने कैसे सॉल्व किया, 18% नहीं लिया मैंने, 250% ऑफ 18 कैलकुलेट किया। कैलकुलेटिंग दिस इज वेरी इजी, कैसे करेंगे 250% ऑफ 18, 250% ऑफ 18 मतलब 218 का 200% कितना होगा बोलो तो, व्हाट इज द 200% ऑफ 18 कितना होगा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, व्हाट इज 200% ऑफ 18, टेल मी फर्स्ट। 16 नहीं, 200% 36 होगा ना, हाँ 36, हाँ 36, 200% ऑफ 18 इज 36, और 50% कितना है 9, तो 45, समझ में आया, 200% इसका 36 है और इसका 50% 9 है, तो 250% कितना होगा, 36 प्लस 9 45 होगा, और तो यहाँ पे 45 प्लस 195, यहाँ से 5 इसको दे दो, यहाँ से 5 इसको दे दो, 200 प्लस 40 240, 240 इज इक्वल टू एक्स इंटू 12, तो 12 इंटू 20 होगा ना, 12 इंटू 2 तो 24 होता है, तो 12 इंटू 20 होगा ना 240, ठीक चलो ये वाला क्वेश्चन करो, इजी इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी खत्म करो। ओह वेरी नाइस वेरी नाइस, 200 आ रहा है ना, ठीक है 200 आएगा, ये 70 70 60 मतलब 614 140, ये होगा 70 into 6 तो 35 into 12 60, 200 minus 60 करेक्ट, 420 divided by 35 into 5 इज इक्वल टू एक्स माइनस 140, ये 5 से 7 टाइम्स काटेगा, ये 7 से 6, 7 6 जा 42 तो 60, तो 60 इज इक्वल टू हाउ मच माइनस 140, तो 200 माइनस 140, 200 माइनस 140 60 होता है ना, 200 ये वाला क्वेश्चन। ट्राई दिस क्वेश्चन प्लीज, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, थोड़ा दिमाग लगा के करो आ जाएगा।
ना 85 वाला है। करेक्ट, सही 85, करेक्ट है, सही है। सी देखो इसको कैसे करेंगे, सी मैंने इसको कैसे किया, ये वाला जो चीज है ना, इसको 35% ऑफ 760 प्लस 45% ऑफ 840 को मैं 35% सॉरी 45% ऑफ 840 को मैं 45% ऑफ 760 प्लस 80 लिख सकता हूँ ना, डू यू एग्री? ये सो नो, देखो तो ये देखो, ये समझ में आ रहा है? देखो ये सो नो, देखो जल्दी देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? यस लिख सकते हैं ना, प्रॉब्लम नहीं है ना। 840 को 760 प्लस 80 तो लिख ही सकते हैं, तो उससे क्या फायदा होगा? उससे ये फायदा होगा कि 35% ऑफ 760 प्लस 45% ऑफ 760 विल गिव यू 80% ऑफ 760। तो ये कैलकुलेट करना बहुत आसान है, प्लस 45% ऑफ 80, 45% ऑफ 80, ठीक है? तो यहाँ से कैलकुलेट करो, 80% का फ्रैक्शन 4/5 इंटू 760, ये 5 से काटो, इसको डबल करो, 152, ठीक है? प्लस 45% ऑफ 80 कैलकुलेट करना भी बहुत इजी है, आप इसको 80% ऑफ 45 कर दो, 4/5 इंटू 45, इसको काटो, इसको 9 बार, 36, और ये आ जाएगा 608, 608 आएगा ये, और ये आएगा 36, मतलब इट इज 644। तो ये वाला जो पार्ट है ना, इसका वैल्यू है 644। तो 644 प्लस एक्स इक्वल टू 9³ इज 729, आप माइनस करेंगे 85 आ जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन करो। ये तो आ गया, हाँ बढ़िया, वेरी नाइस, ये तो इजी है। 40% ऑफ 600 मतलब 600% ऑफ 40, 600% ऑफ 40 कितना होगा? 40 इंटू 6 प्लस 70 इंटू 6, तो 40 इंटू 6 प्लस 70 इंटू 6 इज 110 इंटू 6 विच इज 660। क्लियर है ना? देखो तो एक बार, 240 कैसे भी करो, कैसे भी करो, अपना मर्जी है ना, कैसे भी करो, कैलकुलेशन तो करने से मतलब। 40 इनटू 6 मैंने उसको अलग से किया, 40 इनटू 6 प्लस 70 इनटू 6 इज 110 इनटू 6 व्हिच इज 660, ठीक है? चलो ये वाला क्वेश्चन करो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। टू नाइनटी सिक्स,
296 इंटू टू, 290 का डबल 580 होता है, 290 का डबल इज 580 और 6 का डबल इज 12, तो 580 प्लस 12 इज 592 प्लस 20 इंटू 6 इज 120 इज इक्वल टू एक्स प्लस 592, तो 592 592 कैंसिल, एक्स इज 120। ठीक है, ये वाला करो। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। थर्टी परसेंट मतलब 3/10, 40% मतलब 2/5 इंटू 800। 10 जीरो से जीरो कर दो, इसको 5 से 16 टाइम्स कर दो, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 16 इज 96। देखो 70 into 3, 7 into 3, 21, तो 70 into 3, 210 plus 42 into 4, 40 into 4 होता है 160 और 2 into 4, 8, तो 168 is equal to x plus 234, तो ये 210 और 168 is 378 is equal to x plus 234. तो 234 में if I add 144, I will get 378. Okay. So, ये वाला क्वेश्चन करो। ये तो बहुत इजी है। जल्दी करो। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये तो बहुत इजी है, 50s, इट्स वेरी इजी, कुछ करना ही नहीं था इसमें। 15 इनटू 10 150, 150 प्लस 150 300, तो 300 इज x परसेंट ऑफ 600, तो 300 600 का आधा है ना, तो 50% है। चलो ये कुछ नहीं था इसमें करने वाला, ये वाला क्वेश्चन करो।
400 हो गया। करेक्ट, 400 सही है। प्लीज सॉल्व इट। 400 ठीक है। इजी है, इसमें इतना क्यों टाइम लग रहा है? 217.5% ऑफ 200 इज 200% ऑफ 17.5 ना, यही है। तो किसी नंबर का 200% उसका डबल होता है, 17.5 का डबल कितना होगा? 35। तो 35 प्लस 45% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 43 × 5। 43 × 5, 40 × 5 200 और 3 × 5 15, मतलब 215। तो 45% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 215 माइनस 35 इज 180। तो अब कैलकुलेशन बिठाओ, एक्स आ जाएगा। कैलकुलेशन करने से एक्स आ जाएगा, एक्स इज 400। यहाँ पे कैसे था ना, इसको जल्दी कैसे करना है, ये वाला चीज। तो इसको आप 200 दिख गया ना, आप 200% ले लो ना, कुछ नहीं है। ठीक है, नहीं तो आप इसको परसेंटेज से 00 कैंसिल कर दो, तो 17.5 × 2 इज 35, वैसे भी तो आ जाता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। तो इसका आंसर निकालिए। ए इतना टाइम क्यों लगा इसमें? ये तो इजी है। देखो आप पहले ये माइनस करो ना, 270 माइनस 53 कर लो, तब ज्यादा इजी होता है। 605 प्लस 270 माइनस 53 करने से ज्यादा इजी है। ये कितना है? टू ये कितना होगा? ये 217 होगा, ये होगा ना, 217 होगा कि नहीं? प्लस 217, 605, 600 प्लस 200, 800, 5 प्लस 17, 22, 822 इज इक्वल टू एक्स इनटू 30 डिवाइडेड बाय 2। ये कैसे आया आपका आंसर?
ज्योति आपका आंसर 50 कैसे आ गया? 50 तो आ ही नहीं रहा है। नहीं आ रहा है ना, 50 नहीं आएगा इसका आंसर, कुछ नहीं आएगा। ये तो रॉन्ग है। ठीक है, हाँ रॉन्ग हो गया सर। नहीं नहीं ये रॉन्ग, ये इसमें नन ऑफ दिस होगा इसका आंसर, नन ऑफ दिस। ठीक है, कुछ भी नहीं है ना यहाँ पे, नन होगा, नन ऑप्शन में नहीं है, आई एम सॉरी, बट इसका आंसर नन होगा। ठीक है, 54.8, हाँ वही। जो भी है छोड़ो, पॉइंट को, डेसिमल को इग्नोर कर दो, इसका आंसर नन ऑफ दिस होगा। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। सर क्वेश्चन क्लियर नहीं आ रहा है, सॉरी क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा है सर, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूँ, अभी देखो तो, जस्ट वन मिनट, अभी देखो। हाँ सर अभी ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो, थोड़ा जल्दी करो प्लीज। सिक्सटीन, ओके वेरी नाइस। सी देखो एक चीज, देखो 16, देखो एक चीज, देखो ए टू द पावर बी डिवाइडेड बाय सी टू द पावर बी, ये आपको पता है ना, इट इज ए बाई बी होल्ड ए बाई सॉरी ए बाई सी होल्ड टू द पावर बी। डू यू नो दिस थिंग? ये पता है ना, ए टू द पावर बी डिवाइडेड बाई सी टू द पावर बी इज ए बाई सी होल्ड टू द पावर बी, ये पता है ना। तो इसको करना था यहाँ पे, और क्या करना है, ये 12 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 5, ये क्या है, ये 12 बाई 3 होल्ड टू द पावर 5 है, 12 बाई 3 कितना 4, मतलब 4 टू द पावर 5 है। तो 4 टू द पावर 5 इंटू 64 is equal to x square into 256, ठीक है? ये 64 into 4 होता है, 64 into 4 is 256, तो x square क्या होगा, x square होगा 4 to the power 5 divided by 4, तो 4 ये क्या होगा, 4 to the power 4, तो x square अगर 4 to the power 4 है, तो x क्या होगा, 4 square, 16 होगा। क्लियर है ना, ये किसी को समझने में प्रॉब्लम है? देखो x का स्क्वायर अगर 4 टू द पावर 4 है, तो मतलब x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टू द पावर 4, मतलब 4 स्क्वायर का स्क्वायर, तो x क्या होगा, 4 स्क्वायर ही होगा ना, 16। क्लियर है ना ये? ओके चलो ये वाला क्वेश्चन करो, और ज्यादा नहीं है, एक दो क्वेश्चन ही बचा है, नहीं है क्वेश्चन, जल्दी करो जल्दी करो।
ये वाला क्वेश्चन। हाँ 225, यस करेक्ट, 225 इज करेक्ट करेक्ट करेक्ट। देखो 18 क्यूब इनटू 5 डिवाइडेड बाय 18 स्क्वायर, तो ये क्यू 18 क्यूब डिवाइडेड बाय 18 स्क्वायर तो 18 ही होगा, इज इक्वल टू एक्स माइनस 227 इनटू 5 इज 135, तो ये तो 18 क्यूब डिवाइडेड बाय 18 स्क्वायर तो 18 ही होगा ना, तो 18 इनटू 5 90 इज इक्वल टू एक्स माइनस 135, तो 225 से 135 माइनस करने से 90 आता है, तो x will be 225, ठीक है। ये वाला क्या है, ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे ये 3 1/4 प्लस 3/4 है, ये दिस नंबर इज 3/4, तो क्लियरली विजिबल नहीं है, सो इसको करो। इसका भी ऑप्शन गलत है क्या, वो 14 क्यूब है ये, 14 का क्यूब मैं आपको बोल देता हूँ, 14 का क्यूब का वैल्यू होता है 2744 होता है ना, ये होता है शायद 2744 ही होता है शायद, नहीं 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 2744 नहीं होता है, इसका वैल्यू कितना होता है, नहीं सही है, हाँ 2744 करेक्ट करेक्ट, तो तब तो कैलकुलेशन इजी है ना, 3 1/4 कितना होता है, 3 1/4 कितना होता है, 3 4 12 प्लस 1 13 है ना, तो 3 1/4 होता है 13/4 प्लस 3/4 प्लस 5/8 into 240 is equal to x minus 2744. तो 8 3 जा 24, तो 30 और 13/4 plus 3/4 मतलब 16/4. 16/4 कितना होता है? 4 plus 150 is equal to x minus 2744. तो x क्या हो जाएगा? x होगा 2744 plus 154. तो 448 459 289.
जल्दी करो, इसमें भी ऑप्शन गलत है क्या? ऑप्शन गलत है क्या इसमें? 28 इंटू 15 कितना होता है? 28 इंटू 10 280 प्लस 28 इंटू 5 140, 280 प्लस 140 इज 420, तो 420 प्लस 48% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 720, 720 से 420 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 300, तो 48% ऑफ एक्स इक्वल टू 300, तो आप देखो इसको कैलकुलेशन करो, 48% मतलब 48/100 इंटू एक्स इक्वल टू 300, तीन से काटो, तीन से काटो 16 टाइम्स, तीन से काटो 100 टाइम्स, ठीक है, फोर से काटो 4 टाइम्स, फोर से काटो 25 टाइम्स, फिर इसको फोर से काटो 25 टाइम्स, तो एक्स क्या होगा? 25 इंटू 25 ये तो आ गया ना, ठीक, ये तो इजी है। 228 माइनस 124 इज 104, 104 इंटू 5 इज इक्वल टू 26x, 13 से काटो, 13 टू जा और 13 8 जा और 2 4 जा, तो 4 इंटू 5 20, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा और नहीं है क्वेश्चन, रहने दो, आज का क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं। आप लोग ये वाला क्वेश्चन को होमवर्क कर लेना and tomorrow we will do a new chapter, ठीक है। So thank you for listening to the class, thank you, bye bye and good night.